नमस्ते, अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील दरेकर। और मैं हूँ ईश्वरी शेख। आज के ट्रैवल डायरी में हम जा रहे हैं एक ऐतिहासिक स्थल पर, जो निजामशाही वास्तुकला का नायाब नमूना है। महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर अहमदनगर। अहमदनगर शहर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर है चांद बीबी महल। चलो चलते हैं, हम अहमदनगर से भिंगार होकर आगे आ गए हैं। अब हम मुड़ गए हैं पहाड़ी की ओर। मोड़ लेते लेते झाड़ियों के बीच में से हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं और ये आ गया है ऐतिहासिक मकबरा। नाम है चांद बीबी महल। शाह डोंगर नाम की पहाड़ी पर स्थित इस मकबरे को चांद बीबी महल से जाना जाता है। सलाबाद खान इन्होंने 1580 में इस मकबरे का निर्माण किया। बरामदे में एक के बाद एक बंद तथा खुले चापाकार कमान है। आज नीचे तल घर में सलाबाद खान और उनकी बेगम इनकी कब्र है। सामने उनकी दूसरी बेगम, लड़का और कुत्ते की कब्र है। सलाबाद खान चौथे निजाम शाह के शासन में मुर्तजा के तहत एक मंत्री हुआ करते थे। सलाबाद खान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे महान निर्माणकर्ता थे। उन्होंने निजामशाही शैली के सुंदर भवनों का भी निर्माण किया था और इसी का उदाहरण यह मकबरा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3,080 फीट है। यह निर्माण शैली प्रचलित वर्गाकार प्रकार के मकबरे से भिन्न है। यह महल ऊंचे अष्टकोणीय चबूतरे पर स्थित 300 फीट बाय 12 फीट बंधा हुआ है। इसमें 12 फुट चौड़ा एक अष्टकोणीय कक्ष है, जो 20 फीट के 3 मंजिले बरामदे से घिरा हुआ है। वास्तविक रूप से दिखने में 3 मंजिले हैं, परंतु इस मकबरे को 5 मंजिले हैं। नीचे तल में एक और सबसे ऊपर एक, कुल मिलाकर 5 मंजिले। इस महल के ऊपर आते ही दिखाई देता है विहंगम नजारा। गर्भगिरी के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच शाह डोंगर नामक पहाड़ी के चोटी पर 440 साल बाद निजामशाही वास्तुकला का अनूठा महल देखने आप जरूर जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद।